हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको बता रही हूँ, ये सिंगोनियम का प्लांट है और ये बहुत अच्छा लगता है। ग्रीन ग्रीन पूरे आपके एरिया को किए रहता है और ये इंडोर भी आप लगा सकते हैं, आउटडोर भी। मैंने इंडोर में भी लगाया है इसको, जैसे डाइनिंग टेबल पे लगा के रखा हुआ है और सीढ़ियों पे लगा रखा है, और मैंने आउटडोर में भी रखा हुआ है क्योंकि इतने स्पेस नहीं है मेरे पास। मैं आज इसको बता रही हूँ कि कैसे आप मतलब कि एक टहनी काटने से सिंगोनियम के प्लांट को लगा सकते हैं। मैंने ये कहीं यूट्यूब में देखा था कि ऐसा होता है, मैं ये ट्राई करके देख रही हूँ कि क्योंकि जब तक मैं खुद नहीं करती मुझे विश्वास नहीं होता है, तो मैं ये करके देखती हूँ, फिर आप लोग बताती हूँ रिज़ल्ट। क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले भी ये कर चुका था, तो आज मैं आप लोगों को, जब तक मैं श्योर हो चुकी हूँ कि हाँ ये रियल है, उसके बाद ही मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो मैं ये बता रही हूँ कि ऐसे करके इसमें एलोवेरा डाल दें, एलोवेरा के साथ इसमें ये मैंने मिट्टी तैयार की हुई है। मिट्टी में मैं नॉर्मली मिट्टी लेती हूँ, मैं ख़रीदती हूँ, मुझे 100 रुपये बोरा ये पूरे खाद वाद मिला के ये लोग देते हैं, मैं नर्सरी से लाती हूँ। एक छोटा सा मैंने वो दिए का तोड़ के रखी हुई थी, वही मैं छोटा सा नीचे में डाल दी हूँ ताकि कहीं मिट्टी उट्टी फंसे नहीं, क्योंकि बारिश का मौसम है। फिर थोड़ी सी मिट्टी डाल रही हूँ, ये मैं नर्सरी से बना बनाया ही मिट्टी लाती हूँ क्योंकि उतना समय नहीं है मेरे पास कि मैं बना सकूँ। और उसके बाद ये किचन वेस्ट मैं डालती हूँ और ये धीरे धीरे अंदर में जाके गल जाएंगे। और मेरे पेड़, मैं तो ऐसे ही डालती हूँ क्योंकि मेरे घर में सबको इसकी स्मेल बदबू पसंद नहीं है, और ऊपर से मैं मिट्टी डाल के इसको इस तरह से तैयार कर लूँगी। और उसके बाद मैं इसमें ये डालूँगी, ये देखिए मैंने ऐसे लगाया है, आप लोग भी ऐसे ही कीजिएगा, शायद आप लोग कर भी चुके होंगे। मैंने जो किया है मैं वो शेयर कर रही हूँ। मैं इसे लगा के इसको पॉलीथीन से ढक दूँगी, अच्छे से ढक दी। पॉलीथीन छोटा पड़ गया था तो मैं इसको थोड़ा फाड़ दी हूँ। इंडियन जुगाड़, हम लोग जुगाड़ कुछ भी कर सकते हैं। मैं दिखाती हूँ, ये तो मैंने आज किया है, और मैं दिखाती हूँ कि लगभग आज से 1 महीना पहले मैं लगा चुकी थी, तो मैं वो दिखा रही हूँ आपको क्योंकि वो तो मैं आज की हूँ, तो आज की आज तो वो जड़ उसमें निकलेगा नहीं। मैं ये 1 महीना पहले ये कर चुकी थी, खैर बहुत बारिशें हो चुकी थी तो मैं ये दिखा रही हूँ आपको। तब तक बहुत पेड़ बड़े हो चुके हैं और मैं दिखा रही हूँ उसको उखाड़ के कि कैसे हो रहे हैं, फिर धुल के भी दिखा रही हूँ, उसमें जड़ बहुत बढ़िया निकल गए हैं, रूट बहुत ही बढ़िया आ गई हैं और इतने इसमें पत्तियाँ भी आ चुकी हैं। ये 1 महीने पहले मैंने ऐसा किया था, ये मैं आज आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि आप लोग भी कीजिएगा। देखिए कितने ग्रीन ग्रीन पत्ते इसके लगते हैं और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे पास इसकी बहुत सारी वेराइटियाँ हैं और मैं एक कोने में इन सबको लगाती हूँ। देखिए मैंने कितने गमलों में इन सबको लगा चुकी हूँ, मुझे अच्छा लगता है ऐसे कटिंग करके। कटिंग वाले पेड़ ही मुझे ज़्यादातर पसंद है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी कटिंग वाले, ज़रूरी नहीं है कि पैसे खर्च करके ही आप 150 खरीद के लाएं, आप कटिंग से भी 1 से 10 कर सकते हैं मेरी तरह। ओके, अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय बाय, थैंक यू।